हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी लेट अड्डा। दोस्तों, DRDO के द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें मैकेनिकल की टोटल 6 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 6 वैकेंसी हैं, बायोमेडिकल की 6 वैकेंसी हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको BE BTech पास होना चाहिए। ये 1 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मैकेनिकल बायोमेडिकल, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। उसके बाद आपको यहाँ पर पिताजी या माताजी या फिर पत्नी का नाम लिखना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, एज एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 जून 2022। यानी कि सबसे पहले आपको अपना डेट लिखना है, उसके बाद मंथ और ईयर। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी पर टिक करना है, जो भी आपकी कैटेगरी हो आपको उसको लिख देना है, जनरल, SC, ST, OBC या फिर अदर। इसके बाद अगर आप शादीशुदा है तो आपको यस या नो में आंसर लिखना है। इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, यहाँ पर आपको 10th की क्वालिफिकेशन देनी है। इसमें आपको 10th में सब्जेक्ट लिखने हैं, किस बोर्ड से आपने पास किया है, किस ईयर आपने पास किया है, ड्यूरेशन क्या है और आपके कितने परसेंटेज आए हैं और डिवीजन क्या है आपकी। ऐसे ही आपको इंटर के लिए भरना है, BTech का भरना है और या फिर अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो भी आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भरना है, कहाँ आप काम करते थे, कितने टाइम के लिए आपने काम किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और आपने क्यों वो जॉब छोड़ी, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है और प्लेस लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप इस दिए गए एड्रेस पर फिर सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप DRDO अप्रेंटिस के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट स्टार्ट किया गया है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। इसमें लगभग 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसके अलावा गिफ्ट कार्ड दिए जाएंगे। तो अगर आप UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बैट को ज्वाइन करें। ये पूरी तरह से फ्री है और ये 22 मई 2022 को सुबह 11 बजे होगा। हालांकि ये हर रविवार यानी कि संडे को सुबह 11 बजे होता है और पूरी तरह से फ्री है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इसमें 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को जो है अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा लगभग 10,000 रुपए का। तो आपके लिए अच्छा मौका है। इसमें लाइव टेस्ट होगा और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और इसके क्वेश्चन जो है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा तैयार किए गए हैं UPSC की एग्जाम्स को ध्यान में रख के। इसके अलावा अनअकैडमी द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है और आप ये टेस्ट जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों दे सकते हैं। ये टेस्ट जो है 15 मई 2022 को होगा। GS का पेपर सुबह 9:30 से लेकर 11:30 के बीच में होगा और CSET का पेपर 12:30 से 2:30 के बीच में होगा। अभी अनअकैडमी द्वारा 11 शहरों में टेस्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली NCR या फिर प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता या फिर भोपाल में हैं तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं अगर ऑफलाइन देना चाहें, और ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है फ्री में इनरोल करना होगा। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद आपको SR अड्डा कोड डालना होगा, SRADDA SR अड्डा कोड डालने के बाद आप इनरोल हो जाएंगे। इसके अलावा पैथफाइंडर करंट अफेयर सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूरी तरह से फ्री है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए। इसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है और इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और ये टेस्ट सीरीज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी और ये टेस्ट सीरीज हर शनिवार को शाम को 5 बजे होती है। अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में है तो आपको अनअकैडमी नोट्स और मैगजीन दी जाएगी, लेकिन 4 से 10 के बीच में रैंक आएगी तो आपको मैगजीन दी जाएगी। तो आपके लिए अभी अच्छा ऑफर चल रहा है। साथ ही डेली स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आप लगभग 50% स्कॉलरशिप अपने सब्सक्रिप्शन पे जीत सकते हैं। जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन अगर 10,000 का है तो इसमें 50% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और SR अड्डा कोड यूज़ करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।